हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कच्चे केले की सब्जी बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने थोड़े से कच्चे केले लिए हैं। कच्चे केले की सब्जी बनाने की कोई एक विधि नहीं होती है, ये कई प्रकार से बनाई जाती है। आज मैं केले की जो सब्जी बना रही हूँ उसमें कच्चे केले के छिलके निकाल के मैं सब्जी बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले कच्चे केले को अच्छी तरह से छील लेंगे, उसके बाद इसे धो लेना है। ये मैंने धो लिया है और एक बाउल में मैंने 2 गिलास पानी लिया है। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें मैं डाल दूंगी। टुकड़े बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, देखिए। इस बाउल में, इस पानी में मैं 1 चम्मच, छोटे चम्मच से हल्दी डालूंगी और 1 चम्मच मैं नमक डालूंगी और इसे 8 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दूंगी। केले की सब्जी में डाली जाने वाली सामग्री इस प्रकार है। 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 10 लहसुन की कलियां लिया है और थोड़ा सा अदरक लिया है। इन दोनों को मैंने कूट लिया है। मसाले मैंने घर पे ही तैयार किया है। इसमें मैंने छोटे चम्मच से 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, छोटे चम्मच से 1/2 चम्मच मैंने जीरा और छोटे चम्मच से 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाला है और छोटे चम्मच से 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, छोटे चम्मच से 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है, नमक मैंने स्वाद अनुसार लिया है, 1 मीडियम साइज का टमाटर लिया जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 2 तेज़पत्ता लिया है और छोटे चम्मच से 1 चम्मच मैंने सरसों लिया है, हरा धनिया लिया है, छोटे चम्मच से 1/2 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है और 2 हरी मिर्च लिया है जिसके मैंने लंबाई में काट लिया है। सबसे पहले मैं इसे पानी से बाहर निकाल लूँगी कच्चे केले को। ये देखिए निकाल लेना है। अब मैं कढ़ाई गरम करूँगी और उसमें 3 बड़े चम्मच में सरसों के तेल डालूँगी। बेहतर होगा कि आप सरसों के तेल में ही केले की सब्ज़ी बनाएं, नहीं तो जो भी तेल आप खाते हो उसमें बना सकते हैं। तेल जब गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें कच्चे केले डाल दूंगी। इसे मीडियम आंच पर ही हल्के भूरे रंग का होने तक मैं भूनूंगी। इसमें ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी ये हल्के भूरे रंग का होना शुरू हो गया, अब मैं इसे निकाल लूँगी। इसी तेल में मैं जो बचा हुआ तेल था इसी में मैं तेज़पत्ता और सरसों डाल दूँगी। जब ये अच्छी तरह से चटक जाएगा तब मैं प्याज डालूँगी। प्याज डालने के बाद मैं अदरक और लहसुन जो मैंने कूटा था उसे डाल दूंगी। नमक डालूंगी, नमक स्वाद अनुसार ही डालना है। इसको हल्के भूरे रंग का होने तक मैं भूनूंगी। जब ये हल्के भूरे रंग का हो जाएगा तब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। मैंने टमाटर डाल दिया है, मसाले डाल दिए हैं। जब मसाला डालेंगे तो जो आंच है वो हमारी बिल्कुल धीमी हो जाएगी। हल्दी पाउडर डाल दिया है, आंच बिल्कुल धीमी कर देनी है। जब ये मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा तब मैं इसमें
कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी मसाला भूनने के बाद, बिल्कुल जब मसाला अच्छी तरह से पक जाएगा तब कश्मीरी मिर्च अंत में डालना है। उसके बाद आधा गिलास पानी डालना है। देखिए जब पानी डाल देंगे उसके बाद पानी में उबाल आने लग जाएगा तब कच्चा केला डालेंगे। ये देखिए हल्का उबाल आने लग गया है। अब मैं केले को डाल दूंगी इसके अंदर। इस दौरान जो हमारी आंच होगी वो बिल्कुल धीमी होगी। ये देखिए इस प्रकार से इसको मिक्स कर देना, अच्छी तरह से मसाले में ये मिक्स हो जाएगा। उसके बाद मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक दूंगी, बिल्कुल धीमी आंच पे ढक देना है। देखिए बिल्कुल हमारी सब्जी तैयार है। इसके बाद मैं हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दूंगी। आप इसे चाहे तो रोटी के साथ खाएं या कैसे भी खा सकते हैं।